अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूसी नामधारी महिला कॉलेज छात्र संघ इकाई का पुनर्गठन किया गया, जिसमें महिला कॉलेज के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दीक्षा कुमारी को सौंपा गया, जबकि उपाध्यक्ष सहित मंत्री पद और कार्यकारिणी सदस्यों का भी सर्वसम्मति से चुनाव कर लिया गया। एवीवीपी के उपस्थित चुनाव प्रभारियों ने नए दायित्व के लिए नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में कर्तव्यों के निर्वहन करने की बातें कही। वायसनम महिला कॉलेज, वायसन महिला कॉलेज में एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महाविद्यालय इकाई छात्र संघ, उसका पुनर्गठन किया गया। उसके पदाधिकारियों का सो आज घोषणा भी हो रही है, वही कार्यक्रम है आज, ताकि जो है सो और स्फूर्ति से और ऊर्जा से जो है छात्र संघ महाविद्यालय में अपना जो है दायित्व का निर्वहन कर सके इस उद्देश्य से। और ये होता है एबीवीपी में ये चीज़ें जो है सो, क्योंकि चीज़ें बदलने वाली है ना, जो संघ रहता है वो तो प्रतिवर्ष जो है अपना पुनर्गठन करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कॉलेज इकाई गठन हुआ, जिसमें सभी को दायित्व दिया गया, मतलब जिन छात्राओं को दायित्व दिया गया उनका नाम है दीक्षा कुमारी, अध्यक्ष पद के लिए दायित्ववान है पूजा कुमारी, उपाध्यक्ष पद के लिए चांदनी कुमारी, उपाध्यक्ष के लिए नेहा प्रवीण कॉलेज मंत्री, रागनी कुमारी सहमंत्री, नेहा कुमारी सहमंत्री, रूबी गुप्ता सहमंत्री, नीलम कुमारी सहमंत्री, मधु तिवारी मीडिया प्रभारी, नैन्सी पांडे सह मीडिया प्रभारी, आरती कुमारी कार्यकारिणी में है, आफरीन खातून, निखत प्रवीण, एकरा फातून, नेहा प्रवीण सब कार्यकारिणी में है। और मैं जिन छात्राओं को दायित्ववान बनाया गया है, जिन छात्राओं को ये सब दायित्व दिया गया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपने कॉलेज के छात्राओं की समस्याओं और कॉलेज की छात्राओं को समस्याओं का समाधान करने में पूरा तत्पर रहें, उन लोगों का कार्य करने में पीछे ना हटें। कोई भी काम हो, अगर उन लोगों को समस्याएं हो तो उन लोगों का काम करने में हमेशा तत्पर रहें।